हेलो गाइस, वेलकम इन ऑल अबाउट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आज दिन भर पूरी यहां पे सुबह से लेकर के शाम तक छात्रों ने इंतज़ार किया, हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट के जो भी यहां पे फैसले आने थे उस फैसले को लेकर के, और आखिरकार अभी फैसला आया कुछ देर पहले, हाफ एन आवर हो गया। और इस फैसले में आपने देखा कि एक यहाँ पे जो है पूरी के पूरे 2 पन्न पेज का ये नोटिफिकेशन इसमें जारी किया गया, ये न्यायालय के द्वारा जारी किया। इसमें लिखा गया, ऑन आवर आस्किंग कॉपी ऑफ पेपर बुक वाज स्टडीज सप्लाइड टू श्री कुमार कौशिक लर्ड एडवोकेट हु हैड रिप्रेजेंटेड द रिट पटिशन। यहाँ पे देख सकते हैं जो कौशिक जी हैं, इनके द्वारा जो रिट पटिशन दायर किया गया है, सप्लाई किया गया है स्टडी कल यहाँ पे रिट पटिशन। और यहाँ पे लिखा गया है, इसमें देख सकते हैं कि जो वकालतनामा है, मेन वकालतनामा होता है, वकालतनामा जो है उसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया गया, फाइल करना पड़ेगा। जो वकालतनामा है उसके लिए यहाँ पे एक इनके द्वारा प्रे किया गया और एक डेट मांगा गया, टाइम जो ग्रांट किया गया है वो है देख सकते हैं टुमारो का, यहाँ पे एज प्रेड फॉर लिस्ट टुमारो। यहाँ पे देख सकते हैं जो कल यहाँ पे जो वकालतनामा यहाँ पे जो होने वाला है वो 9 तारीख, देख सकते हैं 9/12/2020 को अंडर हेडिंग फॉर ऑर्डर्स देख सकते हैं। तो कल यहाँ पे वकालतनामा जारी होने वाला है और वकालतनामा के बाद ही सब चीज़ डिसाइड होगा। लेकिन अभी यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सीधे कहा है कि हम एग्ज़ाम को स्टे नहीं लगवाएंगे। एग्ज़ाम स्टे लगवाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें सीधे कहा गया है कि देख सकते हैं आप नीचे कि जो स्पेशली यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि एग्ज़ाम और डिले नहीं हो, फर्दर डिले लगातार यहाँ पे फर्दर डिले होते आ रहा है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम डिले नहीं हो ऐसा यहाँ पे हाई कोर्ट भी चाह रहा है और साथ ही साथ पब्लिक डिमांड भी है, जैसा कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करके भी बताया था कि हम लोग की डिमांड है कि एग्ज़ाम में डिले नहीं होना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है और सीधे देख सकते हैं सिचुएशन रूल्स पर डायरेक्शंस यूज्ड ऑन द जुडिशियल साइड। यहाँ पे देख सकते हैं जो डायरेक्शन इशू किया गया है जुडिशियल साइड के द्वारा, उसके बारे में भी इसको जो BSSC है उसको रिमेंबर कराया गया है यहाँ पे न्यायालय के द्वारा। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया जो यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइट किया गया है कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने वाली है BSSC और इसमें केवल 5 दिन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की लोग हाईलाइट करने का काम किए हैं कि, और साथ इसमें ये भी हाईलाइट किया गया कि ये जो पब्लिश किया गया 2014 में वैकेंसीज पब्लिश की गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे लिखा गया हाउ एवर द अपीलेंट्स सेल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन दैट कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन सेल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन देम। तो देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करो उनको भी यहाँ पे ये अधिकार नहीं है कि जो अपील किया गया है, अपीलेंट सेल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे जो अपील करता BSSC जो अपील करता है उसको यहाँ पे जरूरी है कि वो अपने जो भी छात्र हैं जो अपियर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम में 5 दिन है, उस एग्ज़ाम के बारे में सभी को नोटिफाई करने का काम करे। इन द एग्जामिनेशन डेट कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन सेल नॉट कन्फर एनी राइट अपॉन देम, देख सकते हैं। और उनके पास और कुछ अधिकार नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा अधिकार इंपॉर्टेंट है कि वो सभी छात्रों को नोटिफाई करने का काम करें जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऑल्सो इफ इवेंचुअली सेलेक्टेड द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल नॉट क्लेम एनी इक्विटी और राइट एंड शैल बी बॉन्ड बाई द डिसीजन रेंडर्ड आइदर इन द प्रेजेंट अपील और इन, देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया जो प्रेजेंट अपील किया गया इसके आगे जो भी कैंडिडेट इसमें सफल हुए हैं वो, और जो सफल नहीं होंगे उन वो भी यहाँ पे कोई उनके पास एक देख सकते हैं सीधे तौर पे कहा कि बाउंड है उनके पास, जो बाउंड कर दिया गया है वो इसको रेंडर कर सकते, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, आइदर इन द प्रेजेंट अपील और एनी फर्दर, देख सकते हैं जो अभी का अपील है या फिर जो आगे अपील होने वाले हैं अगर हो सकते हैं केस, तो उसमें भी कोई यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे है उस डिसीजन में कुछ यहाँ पे जो है आप हेर फेर करना चाहें उसमें चाहे कुछ कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छी खबर है कि टोटल मिलाकर अगर बात करें तो जो न्यायालय है, न्यायालय ने एक अच्छी खबर दी है कि हम एग्ज़ाम को डिले नहीं कराना चाहते हैं, ना ही जो पब्लिक फिगर है वो डिले कराना चाहती है, एग्ज़ाम तो होना है। अब ये BSSC आयोग पर डिपेंड करता है कि कल, अभी एडमिट कार्ड आज तो कुछ नहीं, आज कुछ नहीं जारी हो सकता है, एडमिट कार्ड अगर जारी करना होगा तो कल होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कल यहाँ पे जो वकालतनामा जारी होने वाला है, देख सकते हैं 9 तारीख का डेट सीधे यहाँ पे दिया गया है। तो हमें अगर इसमें अब टाइम एडमिट कार्ड के लिए बात करें तो एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर 9 तारीख को ये फैसला फाइनल आता है तो अगर 9 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होता है तो केवल और केवल 4 दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और यहाँ पे जो आज बात हुआ था ऑफिस में जो BSSC आयोग बात हुआ था वहाँ पे कहा गया अगर एग्ज़ाम होता भी है तो जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन बाहर से आने वाले जो कैंडिडेट है जिनको पहले बता दिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा वो कैसे आ पाएंगे, इसीलिए एग्ज़ाम में डिले होगा। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है कि अब एग्ज़ाम में फर्दर डिले यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये जो जुडिशियल साइड है वो बोल रही है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो पब्लिक फिगर है वो भी कि एग्ज़ाम डिले नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, एक प्लस पॉइंट है कि एग्ज़ाम में अब डिले ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर 13 तारीख को एग्ज़ाम सपोज नहीं होता है, ये लोग पॉइंट दे सकते हैं कि जो बाहर जो रह रहे हैं वो कैसे आएंगे या फिर जो भी रीज़न हो ये अगर दे करके, लेकिन इसमें ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर लीजिए और इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इसमें आगे आपको अगर जो भी अपडेट है उसे बताया जाएगा, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्वेश्चन वगैरह भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, देखते हैं कल क्या होता है गाइज। थैंक यू फ्रेंड्स।